हे गाइस, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके लेके आया हूँ काउंटिंग फिगर्स का पार्ट थ्री लेके आया हूँ। पार्ट वन में मैंने आपको सिखाया था कि कैसे आप नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर पाओगे, पार्ट टू में मैंने आपको सिखाया था नंबर ऑफ स्क्वायर कैसे फाइंड करोगे, और आज आपके लेके आया हूँ पार्ट थ्री जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपने पार्ट वन पार्ट टू नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है मैंने, आप वहां से जाकर देख सकते हो, या फिर अपने मोबाइल स्क्रीन पर कहीं भी टच करोगे ऊपर छोटा सा आई बटन मिलेगा आपको, आप वहां से भी जाकर देख सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए जिससे आप पूरा ट्रिक सीख सको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं आपका बेसिक क्लियर करूंगा, उसके बाद मैं आपको दूंगा शॉर्ट ट्रिक दूंगा। देखिए आपके सामने एक फिगर है यहां पर, और यहां पर आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। रेक्टेंगल मतलब हिंदी में उसे आयत भी कहते हैं। तो अब देखोगे आप अगर कि इस फिगर में आपको रेक्टेंगल फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करोगे। देखिए ये वाला एक नंबर रेक्टेंगल हो गया, और ये जो हो गया सेकंड हो गया, ये एक रेक्टेंगल बन गया मतलब थर्ड हो गया, ये भी एक रेक्टेंगल बन गया मतलब ये क्या हो गया फोर हो गया, ठीक है। और एक बड़ा सा रेक्टेंगल जो बाहर बन रहा है ये, इससे वो हो गया टोटल पांच हो गया। मैंने यहां पे लिख दिया, मैंने फाइव लिख दिया मैंने। उसके बाद अगर और भी ऑब्जर्व करोगे तो और भी रेक्टेंगल बन रहे हैं। देखिए आपको समझाता हूं मैं। देखिए ये दो लाइन में रख, देखिए ये जो है इस साइड देखोगे आप, ऑब्जर्व करोगे अगर, तो ये पूरा मतलब ये मिटा दोगे आप अगर, तो ये एक पूरा रेक्टेंगल बन गया आपका। समझ में आया आपको कि नहीं? देखिए उसके बाद आप देखोगे इधर, देखोगे आप तो इधर भी रेक्टेंगल बन रहा है, स्क्वायर ऑफ कर दोगे तो आप, तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहां पे दो रेक्टेंगल बन गया। उसके बाद ऑब्जर्व करोगे आप अगर कि मैं ये लाइन को रफ कर देता हूं अगर मैं, तो एक रेक्टेंगल बन गया। तो देखेंगे अगर अगर आप अगर, तो ये एक रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। और उसके बाद देखोगे ये लाइन रफ कर दोगे आप तो एक ये वाला रेक्टेंगल बन गया। तो आप देख सकते हो यहां पर दो लिख दिया मैंने, तो 5 प्लस 2 कितना होता है 7 होता है, और 7 प्लस 2 कितना होता है 9 होता है। तो ये बेसिक था, बेसिक से सॉल्व करते हैं, लेकिन ऐसे फिगर तो एग्जाम में नहीं आएंगे ना, इससे टफ फिगर आएंगे। तो क्या आप ऐसे काउंट करोगे? जी नहीं। आपके लिए मैं शॉर्ट ट्रिक ला रहा हूं, देखिए अब आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाने जा रहा हूं। आप क्या करोगे शॉर्ट ट्रिक से, देखिए सबसे पहले कोई भी फिगर दिया हो और उसमें पूछा जाए आपको नंबर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए, तो क्या करोगे आप, नंबर लिख दोगे आप 1 और यहां पर लिख दिया मैंने 2, क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए 1 और यहां पर लिख दिया 2, क्लियर है। अब 1 प्लस 2 कितना होगा, यहां पर 3 हो गया, और 1 प्लस 2 कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। और 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और आंसर आपका आ गया। ये है इजी ट्रिक। चलिए और एक फिगर लेता हूं मैं आपके ये कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करने के लिए। तो चलिए दोस्तों आपके लिए लेके आया हूं और एक फिगर लेके आया हूं जिसमें आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। तो देखिए आप, आपको ये फिगर दिया है, अगर बेसिक से सॉल्व करोगे नंबर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए तो पेपर ही छूट जाएगा आपका। तो आप शॉर्ट ट्रिक यूज करना उस टाइम पे। देखिए क्या करोगे आप, आपको ऐसा फिगर दिया हो और नंबर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने बोले तो क्या करोगे, लिखोगे 1, 2 और 3 लिख दोगे, उसके बाद यहां लिख दो 2 और 3, तो 1, 2, 3 और 1, 2, 3, ये पहला स्टेप फॉलो करोगे। उसके बाद क्या करोगे, प्लस करोगे, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3 हो गया, और 3 प्लस 3 कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है, मैंने यहां पे लिख लिया। अब 1 प्लस 2 कितना होगा 3, और 3 प्लस 3 कितना होगा 6 होगा, तो यहां पे मैं 6 लिख देता हूं। उसके बाद क्या करोगे, इस 6 से इस 6 को मल्टीप्लाई कर लोगे, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होगा 36 होगा, मतलब इस फिगर में नंबर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो 36 है, क्लियर हो गया। अब किसी के दिमाग में ये आएगा कि सर अगर ऐसा फिगर ना हो तो, जैसे एग्जांपल 1, 2, 3 है और यहां पर 1, 2, 3, 4 हो गया, तब क्या करोगे? बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, नेक्स्ट सम में वो सम लेके आ रहा हूं जो आप सोच रहे हो। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपने सोचा आपने, और आपके लिए लेके आ गया हूं मैं आपके सोच वाली फिगर लेके आ गया हूं जो आप सोच रहे थे कि अगर यहां पर 1, 2, 3 दिया जाए और यहां पर अगर 4 हो जाए तब क्या करोगे। तो आपके लिए लेके आया हूं देखिए ये फिगर, तो सेम ट्रिक फॉलो करोगे। देखिए इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देख लीजिए, आपको कोई डाउट नहीं होगा। देखिए आप यहां लिख दोगे 1, 2 और 3 लिख दिया मैंने, उसके बाद यहां लिखोगे देखिए 1, 2, 3 और 4 लिख देंगे, क्लियर हो गया, ये लिख दिया आपने। उसके बाद क्या करोगे आप, देखिए प्लस करोगे, 1 प्लस 2 कितना होगा 3, और 3 प्लस 3 कितना होगा 6 होगा, मैंने 6 लिख दिया यहां पर। उसके बाद देखिए यहां पर 1 प्लस 2 कितना होगा 3, और 3 प्लस 3 6, और 6 प्लस 4 कितना होगा 10 होगा, तो यहां पे मैंने 10 लिख दिया मैंने। फिर क्या करोगे, इस 10 को 6 से आप मल्टीप्लाई कर लोगे, मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 6 करोगे तो 60 होगा, मतलब इस फिगर में नंबर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो टोटल 60 है। अब आपके दिमाग में यह आया होगा कि भाई ऐसा फिगर नहीं आया तो, कुछ और फिगर आया तो बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट सम जो है
ऐसे टॉपिक में ला रहा हूं मैं कि अलग अलग फिगर आए तो कैसे आप नंबर और रेक्टेंगल फाइंड कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, आपके सामने ये सिंपल फिगर है जिसमें आपको नंबर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। आपके लिए मैं ये सिंपल फिगर इसलिए लेके आया हूं मैं कि इसके रिलेटेड अब मैं नेक्स्ट सम में आपके लिए टफ सम लेके आऊंगा। तो ये कौन सा सीखना बहुत जरूरी है, देखिए आप अगर बेसिक से इसको सॉल्व करोगे आप, तो देखिए यहां पर नंबर ऑफ रेक्टेंगल जो है ये 1, ये 2 और ये 3 है। उसके बाद देखोगे बड़ा सा रेक्टेंगल जो बाहर है वो 4 है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद देखोगे आप, अगर मैं ये लाइन को रफ कर दूं मैं, अगर ये लाइन को रफ कर दूं मैं अगर, तो क्या होगा, यहाँ पे एक रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं देखिए अगर मैं ये लाइन को रफ कर दूं मैं अगर, तो क्या होगा, एक रेक्टेंगल हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मैं 1 लिख दूंगा मैं, चलो ये हो गया काम। अब देखोगे आप अगर प्लस करोगे तो 4+1 5, 5+1 6, ठीक है, ये आ गया, क्लियर हो गया। लेकिन अगर हम लोग शॉर्टकट से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहां पे लिखोगे 1, 2 और 3, तो 3+2 क्या होगा, 5, और 5+1 कितना होगा, 6 होगा। तो क्लियर हो गया आपके दिमाग में, क्लियर हो गया ना, क्योंकि ऐसे फिगर ना पूछ के कुछ डिफरेंट फिगर पूछ ले, डिफिकल्ट फिगर पूछ ले, तब क्या करोगे आप। एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए आप, यहां पर अगर ऐसे फिगर को अगर मैं चेंज कर दूं, देखिए अगर मैं चेंज कर दूं तो आप बेसिक सॉल्व कर पाओगे, पेपर छूट जाएगा आपका। तो क्या करोगे आप, सिंपल लिखोगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लिखोगे। तो प्लस करना स्टार्ट कीजिए, 6+5 11 हो गया, 11+4 15 हो गया, 15+3 18 हो गया, 18+2 20+1 21, तो 21 नंबर ऑफ रेक्टेंगल है इसके अंदर। चलिए इससे भी डिफिकल्ट सम लेते हैं हम लोग नेक्स्ट सम में। तो चलिए दोस्तों देखिए, आपके सामने ये वाला फिगर लेके आया हूं, काफी डिफिकल्ट फिगर है लेकिन बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। इसमें आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है, लेकिन आप बेसिक मेथड से करोगे तो पेपर छूट जाएगा आपका। तो शॉर्ट ट्रिक यूज करोगे, क्या करोगे आप, देखिए आप लिखोगे यहां पर 1, 2, 3 और 4 लिखोगे, ठीक है, और इसको प्लस कर लो, साइड पे लिख लो। तो 1+2 कितना हो गया, 3 हो गया, 3+3 कितना हो गया, 6 हो गया, और 6+4 कितना हो गया, 10 हो गया। आप यहां पर 10 लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहां पर 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3, 4, इसको ही प्लस कर लोगे आप तो क्या होगा, आपका 10 होगा। तो यहां पर 10 लिख लिया मैंने। उसके बाद देखिए यहां पर 1 लिखा था आपने, 2, 3 और 4 लिखा मैंने, इसको ही प्लस कर लोगे तो आप क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो क्या करोगे आप, 10+10 और ये 10, तो 10+10+10 = इतना होगा, 30 होगा। लेकिन आपका ये आंसर राइट नहीं है। क्यों राइट नहीं है, देखिए आप देखोगे ये 4 जो है इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, क्लियर है ना, और ये 1 जो है इस साइड में भी आ रहा है और ये साइड में भी आ रहा है। तो क्या करोगे, जब भी जॉइंट होगा, देखिए ये जॉइंट है, जब भी जॉइंट होगा तो यहां पे एक जॉइंट है और यहां पे एक जॉइंट है, जितने जॉइंट होगे उसमें आपको माइनस करना है। तो यहां एक जॉइंट हो गया, यहां एक जॉइंट हो गया, मतलब 30 में से मुझे -2 करना होगा, तो 28 मेरा आंसर परफेक्ट आंसर है। मतलब इस फिगर में नंबर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो 28 है, इस बात का ध्यान रखना है आपको, जब भी जॉइंट होंगे वो जॉइंट माइनस करना है। चलिए जॉइंट के हिसाब से आपके लिए और एक सम लेके आता हूं मैं, जिससे ये डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों देखिए, आपके सामने और एक फिगर लेके आया हूं जिससे आपका डाउट था कि जॉइंट आएगा तो क्या करोगे, इसके लिए मैंने आपके लिए ये फिगर लेके आया हूं। देखिए क्या करोगे, सबसे पहले देखिए आप यहां लिखोगे 1, 2, 3 और 4 लिख लोगे। उसके बाद क्या करोगे, देखिए आप यहां 1, 2 और 3 लिख लिया मैंने, क्लियर हो गया। अब क्या करोगे, इसको सबको प्लस कर लीजिए, तो 4+3 कितना हो गया, 7 हो गया, और 7+2 कितना होगा, 9, 9+1 10, तो यहां पर मैंने 10 लिख लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आप, 1+2 3, 3+3 6, और 6+4 कितना होगा, 10 होगा, तो यहां पर मैं 10 लिख लिया मैंने। और 10+10 कितना होता है, 10+10 = 20 होता है, क्लियर है। लेकिन आप जॉइंट का ध्यान रखोगे तो यहां पर देखिए जॉइंट हो रहा है, मतलब ये 4 जो है इस साइड में भी कॉमन है और इस साइड में भी कॉमन है, तो जहां पर जॉइंट होगा वो क्या करोगे आप, उतना नंबर आप माइनस कर दोगे। तो यहां पर जॉइंट जो है 1 हो रहा है, तो क्या करोगे, 20 में से 1 माइनस करोगे और 19 होगा। ये क्लियर हो गया। अगर इसमें भी क्लियर नहीं हुआ है तो इस फिगर को थोड़ा मैं चेंज कर देता हूं। देखिए आप समझिए, ऐसा कुछ फिगर दे दिया है, ठीक है, तो देखिए 1, 2, 3 और 4 दे दिया है, क्लियर है। आप इसको ही प्लस करोगे तो 10 होगा आपका, और सबको प्लस करने के बाद क्या होगा, आपका 30 हो जाएगा। अब आप ऑब्जर्व करोगे, यहां पे भी जॉइंट हुआ है और यहां पे भी जॉइंट हो रहा है, क्लियर है। तो 2 जॉइंट हो गए तो माइनस कर दीजिए 2, तो यहां पे मैंने 2 माइनस कर दिया, तो कितना होगा, 28। मतलब नंबर ऑफ रेक्टेंगल जो है इस फिगर में वो है 28 है।
तो हर एक चीज क्लियर करने की कोशिश किया हूं मैंने इस वीडियो में। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, और आगे आप कौन सा वीडियो चाहते हो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।